शंकु, शंकु के लिए आज हम बात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। सबसे पहले बना लेते हैं शंकु का डायग्राम। ये आपके पास शंकु है और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है आपके पास, यानी ये दोनों लाइनें को हम कहते हैं तिर्यकभुजा। जिसे लिखा जाता है L से और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये आपके पास होती है त्रिज्या, जिसे लिखा जाता है स्मॉल r से। और इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ये होती है शंकु की ऊंचाई। जिसे लिखा जाता है स्मॉल एस से। यहाँ पर आपका एक समकोण बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि भार, भार का नीचे जो ढक्कन लगा हुआ है इसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है भार, भार का। तो हम लिख देंगे फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास होते हैं पाई आर एल। फिर हम बात करेंगे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसके अंदर यहाँ का भी ऊपर ऊपर का होगा और जो नीचे ढक्कन लगा है वह भी शामिल होगा। तो हम लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बार बार का आपके पास है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। जो नीचे ढक्कन लगा हुआ है वह आपका है वृत्त, तो वृत्त आपके पास ऐसे होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास होती है त्रिज्या। तो जमा कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर आपके पास कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बच जाएगा एल प्लस आर। फिर हम बात करेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपके पास बराबर होता है एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपके पास सभी मान, अगर मैं कहता हूँ कि सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो आपकी यूनिट यहाँ पर आगे आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट आपके पास आएगी सेंटीमीटर क्यूब। आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है।